उत्पत्ति अध्याय सात और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू साथ साथ अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से दो दो लेना अर्थात नर और मादा, और आकाश के पक्षियों में से भी साथ साथ अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारे पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितनी वस्तुएं मैंने बनाई है सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वालों में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की अवस्था के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 70वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब मनेल पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेल पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। उत्पत्ति अध्याय आठ और परमेश्वर ने नूह की ओर जितने बनेल पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोके बंद हो गए और उसमें से जो वर्षा होती थी वो भी थम गई, और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 70वें दिन को जहाज आरारात नाम पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के 1 दिन को पहाड़ियों की चोटियां दिखलाई दी। फिर ऐसा हुआ
कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतर को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौट कर न आई। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकाल लिया कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आए और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जीवते जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और पतन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। उत्पत्ति अध्याय नौ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाएंगे। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लोहू समेत तुम न खाना और निश्चय मैं तुम्हारा लोहू अर्थात प्राण का पलटा लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लोहू बहाएगा उसका लोहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम तो फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में बहुत बच्चे जन्मा के उसमें भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ और सब जीवित प्राणियों में से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेल पशु,
पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, सबके साथ भी मेरा यह वचन है, मेरी यह वाचा बनती है, और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा कि सब प्राणी फिर जलप्रलय से नाश न होंगे और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जलप्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष देख पड़ेगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उनको मैं स्मरण करूंगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले, वे शेम, हाम और एपेत थे, और हाम तो कनान का पिता हुआ। नूह के तीन पुत्र यही है, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया, और नूह किसानी करने लगा और उसके दाख की बाई लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेद दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढाप दिया, और वे अपना मुंह पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधु के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास होए, परमेश्वर एपेत के वंश को फैलाए, और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास होए। जलप्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा, और नूह की कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया।